गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धधन और था, जो एक शाक्य गण की मुख्य थे, और माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनको बिना अनग्रहण किए 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तब इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य भी कहा जाता था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और यह पुनर्जन्म की मान्यता में विश्वास रखती है। बुद्ध का अंतिम और परम प्रिय शिष्य आनंद था, जो 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। बुद्ध के गुरु विश्वामित्र थे। उन्हीं सिद्धार्थ ने वेद और उपनिषद के साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे सादे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुख खून से भरा हुआ है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुख खून से छूट जाता है। ध्वज या पंचशील ध्वज, यह ध्वज बौद्ध धर्म के प्रतीक एवं बौद्धों के सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व के लिए 19वीं सदी में बनाया गया था। बौद्ध धर्म में सफेद झंडा शांति, पवित्रता और सौहार्द का प्रतीक रहा माना जाता है। वर्तमान में धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ध्वज के मध्य की पट्टी में धर्मचक्र अशोक चक्र रखा गया है। उनका कहना था कि जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध की मृत्यु एक व्यक्ति द्वारा परोसे गए विषाक्त भोजन करने की वजह से हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। आज भी उनके लाखों अनुभवी उन्हें भगवान के समान पूजते हैं।